नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी वीडियो को आप 95% तक कॉम्प्रेस कर पाएंगे, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। दोस्तों जी हाँ बिल्कुल, मैंने एकदम सही कहा है कि आप किसी भी वीडियो को 95% तक कॉम्प्रेस करेंगे और क्वालिटी जो होगी आपकी वो बिल्कुल उसी वीडियो की तरह ही होगी। आज हम देखने वाले एक सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके वीडियो को कॉम्प्रेस करता है 90 से 95% तक। उसके साइज को वो कॉम्प्रेस करता है, लेकिन आपकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल उसी वीडियो की तरह होती है जो आप जिससे कॉम्प्रेस कर रहे हैं। इसका फायदा क्या है दोस्तों? इसका फायदा दो तरह से है। अगर आप किसी YouTube चैनल पे काम कर रहे हैं तो आप जो वीडियो बनाते हैं उसकी साइज जो होती है करीबन 500 MB से लेके 1 GB तक उसकी साइज होती है, तो आप जब अपलोड करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो बेटर है कि आप अपलोड करने से पहले उसको कॉम्प्रेस कर ले, साथ ही साथ उसकी वीडियो क्वालिटी वही रहेगी। दूसरा फायदा इसका यह है दोस्तों कि आप अपने पेन ड्राइव में अगर कोई मूवीज ले रहे हैं और आपका पेन ड्राइव फुल दिखा रहा है और आपको कोई मूवी लेना ही है, तो आप उसको एक काम कीजिए, कॉम्प्रेस कर लीजिए, जिसके साथ आपकी वीडियो क्वालिटी खराब नहीं होगी और उसका कॉम्प्रेस साइज बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। मेरा नाम है कैलाश पालीवाल, यूट्यूब के हाउ टू ट्रिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है google.com पे और आपको सर्च करना है हैंड ब्रेक। इस सॉफ्टवेयर के बारे में आप जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे, पहली जो लिंक आएगी www.handbrake.fr.com, आप इस वेबसाइट पे जाइए। इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई आप जब कोई वीडियो कॉम्प्रेस करते हैं तो बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर का नाम या वाटरमार्क जो होता है वीडियो के ऊपर वो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ा फायदा तो यही है। साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर जो है वो इतना कॉम्प्रेस करता है आपके वीडियो के साइज को, और फायदा तो सबसे बड़ा मैं यही कहूंगा कि आपका वीडियो कॉम्प्रेस तो हो रहा है लेकिन उसके जो साइज है वो बिल्कुल अच्छी तरह से वही आपकी साइज आपको आपको जो वीडियो क्वालिटी वही मिल रही है। तो आप इस साइट पे जाइए, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। आप इसको विंडोज के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली डाउनलोड आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। अभी मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है और इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों, तो हम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर में चलते हैं। आपने उसका आइकॉन देख लिया होगा दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका एक आइकॉन दिखा रहा है। चलिए इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं। हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है तो इसमें पहले से आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे है सोर्स, यहाँ पे है स्टार्ट। तो इसका फायदा क्या है, हम एक डेमो ले लेते हैं। मैं आपको मेरे एक वीडियो पे लेके चलता हूँ जिसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एक वीडियो में ले रहा हूँ जिसका साइज करीबन, ये जो वीडियो है इसका साइज करीबन है 122 MB का। हम वो डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो 122 MB का यहाँ पे साइज दिखा रहा है। तो हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे, इसको मैं एक बार प्ले भी कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो किस तरह से है। क्लिक करना है, ठीक है। ये वीडियो मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाया था कि आप किस तरह से पैसे कमा पाएंगे, तो आपको ये वीडियो दिख रहा है दोस्तों। तो अब इसको हम कॉम्प्रेस करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए। तो इसका साइज आपने देख लिया था, साइज है इसका करीबन 122 MB का साइज है इसका, ठीक है। अब हम वो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद हम आप चाहो तो पूरे फोल्डर को भी आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर जो डेटा होगा वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। साथ ही साथ आप पर्टिकुलर एक फाइल को अगर कॉम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक कीजिए। हम इसको अभी चलते हैं, हमारे जो अभी आपको मैंने जो दिखाया था, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसी वीडियो को हम कॉम्प्रेस करेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो था, इसको हम फिर से प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। ये 122 MB दिखा रहा है, ठीक है। हम इसको अभी कॉम्प्रेस करते हैं, इसको मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स करना है। तो सबसे पहला सेटिंग्स ये कि आपको ब्राउज करना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा तो ये ब्राउज किसके लिए, ये आपका डेस्टिनेशन फोल्डर का फोल्डर है, जैसे कि आप जो भी वीडियो कॉम्प्रेस कर रहे हैं उसका वो कहाँ पे आपको स्टोर होना चाहिए। तो बेसिकली मैं उसको डेस्कटॉप पे ही स्टोर करूंगा। मैं एक फोल्डर में चला जाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ हाउ टू ट्रिक, मेरे चैनल का मैं नाम देता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको मैं नीचे कुछ ऑप्शन के यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहला है पिक्चर, तो यहाँ पे उसका विड्थ आता है, आपको पिक्चर का विड्थ कितना रखना है। अगर उसको कम करना चाहे तो आप बिल्कुल यहाँ से कम कर सकते हैं।
उसके बाद आता है यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर टॉप लेफ्ट और बॉटम और राइट अगर 0-0 नहीं दिखा रहा है, तो आपको मैं चाहूंगा कि आप कस्टमाइज पे आइए और यहाँ पे इसको सब आप 0-0 कर लीजिए। 0-0 करने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो क्रॉप नहीं होगा, यानी आप अगर चाहो तो उसको आप में से कितना परसेंट आप क्रॉप करना चाहेंगे, तो ये क्रॉपिंग के लिए ऑप्शन है, तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हम फिल्टर में। फिल्टर में बेसिकली देखिए कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ चेंज करने लायक है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं हम वीडियो में आते हैं। वीडियो में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि जो आपका वीडियो का आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आप किस तरह से उसको सेव करना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस डिफॉल्ट सेटिंग को ना छेड़े, आप जो सेटिंग है से उसको बिल्कुल वैसे ही रहने दें। नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्टिमाइज वीडियो पे। ऑप्टिमाइज वीडियो में क्या है दोस्तों, ये जो वीडियो कॉम्प्रेस होता है तो वो फास्ट होना चाहिए या आराम से जो जो प्रोसेसिंग टाइम जो लेता है उस तरह से होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको भी कुछ चेंजेस ना करें, ये बिल्कुल आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड है, वो ऑटोमेटिकली आपके जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ले लेगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वालिटी पे। क्वालिटी क्या है दोस्तों, 20 RF यहाँ पे दिया है, तो 20 RF का मीनिंग क्या होता है, 20 जो होती है वो हमारी बेस्ट क्वालिटी होती है। हम जब कोई वीडियो बनाते हैं तो उसका 30 फ्रेम का जो आता है, 30 फ्रेम में वो कन्वर्ट होता है पर सेकंड में, तो ये डिफॉल्ट इन्होंने 20 दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो इसको क्वालिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको आगे सरका लीजिए, या फिर आप उसकी क्वालिटी थोड़ा सा कम करना चाहते हैं और वीडियो साइज भी साथ में साथ कम हो जाएगा इसका, तो आप इसको कम कर लीजिए। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसको 20 ही रहने दें, बिल्कुल इस पे कुछ काम ना करें, तो इसको सेटिंग्स जो आपको डिफॉल्ट दिख रही है बिल्कुल वही रहने दें। नेक्स्ट चलते हैं ऑडियो में। ऑडियो में आप अगर चाहते हैं तो इसका जो वीडियो का जो ऑडियो आ रहा है वो आपको किस तरह से चाहिए और उसका बिट रेट क्या होता है। बिट रेट जो होता है, तो मैं आपको बिट रेट के बारे में कुछ बता दूं, जो 128 KBPS का जो बिट रेट होता है दोस्तों, आप किसी भी वेबसाइट से अगर कोई MP3 गाना डाउनलोड करते हैं तो जो गाना 5 या 6 MB का होता है, जैसे कि आप किसी मूवी का डाउनलोड करें तो जो गाना के साइज 5 से 6 MB का दिखाता है, तो उसका जो कॉम्प्रेसिंग साइज होता है, जो उसकी क्वालिटी जो होती है दोस्तों, वो होती है 128 KBPS का साइज होता है। आप उसको चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो उसको 320 रहने रख सकते हैं, तो इससे आपका जो वॉइस क्वालिटी जो आपके वीडियो में है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको 120 रख लीजिए, मैं इसको 160 सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये डिफॉल्ट है यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं सब टाइटलिंग में। सब टाइटलिंग और चैप्टर में वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कुछ आप अगर चाहें तो सब टाइटलिंग उसको कर सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरत नहीं उसको चेंजेस करने की, तो आप ये सेटिंग सारे ध्यान में रखिए। लास्ट, अगर आप चाहें तो कि ये सेटिंग आप नेक्स्ट टाइम भी अपने वीडियो में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक ऐड बटन पे दिया हुआ है, आप ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। आप जो प्रोफाइल का नाम देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, और आप कस्टमाइज जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर सेटिंग्स अपने हिसाब से रख के आप उसको ऐड बटन पे क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा दोस्तों, आप जब भी आएंगे तो आपको ये सारी सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऐड पे यहाँ पे आपने ऐड किया था हाउ टू, यहाँ पे मैंने जो लिखा है हाउ, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी सेटिंग्स ले लेगा। तो मैं इसको अभी फर्स्ट यूजर हूँ, आप मैं चेक करने के लिए इसको कर रहा हूँ, तो मैं रेगुलर पे नॉर्मल पे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर आप कोई डिवाइस के लिए भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे डिवाइस के नाम दे रखे हैं, आईफोन के यहाँ पे कुछ वर्जन दे रखे हैं, एंड्रॉइड के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, विंडोज टैबलेट के लिए, विंडोज के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो आप चाहे तो इसको अपने मोबाइल के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो ऑटोमेटिकली उनकी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आपको करना है क्या दोस्तों, आपको सबसे पहले, अब आपने यहाँ पे वीडियो ले लिया है सोर्स से और आपने डेस्टिनेशन का नाम यहाँ पे दे दिया, इसके बाद आप चाहे तो उसको यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, आप जो यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी क्वालिटी क्या हो गई, आपको क्या दिखना चाहिए वो वहां पे दिखाएगा। तो मैं स्टार्टिंग 5 सेकंड का वीडियो में ले लेता हूँ, उसको मैं प्ले कर लेता हूँ एक बार। तो ये छोटा सा प्रोसेस लेगा उसको 5 सेकंड का। देखिए जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आपको दिखेगा, यानी जो वीडियो हमारा जो सोर्स वीडियो है, यानी हम जो जिस वीडियो से कॉम्प्रेस कर रहे हैं बिल्कुल उसी का तरह उसका क्वालिटी, लेकिन जो साइज आएगा वो एक मैजिकली साइज आएगा। जरूर आपको मैं आउटपुट जब दिखाऊंगा ये कॉम्प्रेस होगा, तब आप भी कहेंगे कि अरे बाप रे इतना कॉम्प्रेस हो चुका है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका कॉम्प्रेस का कैसे करते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट बटन दिया दोस्तों, आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के बाद, सारे सेटिंग्स करने के बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो इसके बारे में आपको एक चीज मैं अच्छी बता देना चाहता हूँ कि ये तो फ्री में है, साथ ही साथ इसका जो कॉम्प्रेस करने का जो
स्पीड है या फिर कॉम्प्रेस करने का जो टाइम होता है दोस्तों, करीबन ये हम अभी 120 MB का हम साइज अगर ले रहे हैं तो ये उसको 1 मिनट ले रहा है, यानी करीबन आप अगर 1 GB का अगर आप कॉम्प्रेस करेंगे तो ये 7 से 8 मिनट लेगा उसको कॉम्प्रेस करने के लिए, यानी बहुत कम टाइम लेता है उसको कॉम्प्रेस करने के लिए। तो अभी अगर हमारे वीडियो हमने जो अपलोड यहाँ पे डाला था उसको कॉम्प्रेस करने का जो इसने एस्टिमेट टाइम बताया वो 3 मिनट इसने बताया, लेकिन ये 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्रेस हो जाएगा। अभी हो रहे हैं 8 बज रहे हैं, हम चेक करते हैं कि कितने देर में इसको कॉम्प्रेस करेगा। ये 8:01 हो गया है, ठीक है, हम देखते हैं इसको कितना टाइम लग जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा यही कि ये एक तो फ्री में ही है और साथ ही साथ आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हुए, आपने डाउनलोड किया होगा जो कॉम्प्रेस तो करते हैं, उसकी वीडियो क्वालिटी भी उतनी रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो क्या करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर का जो नाम होता है वो हमेशा उस वीडियो के लास्ट में या कई वीडियो के ऊपर दे देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि एक वॉटर मार्क आ जाता है हमारे वीडियो पे। तो ये एक अच्छी चीज नहीं होती किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम हमारे वीडियो पे आ जाए, तो हमारा जो वीडियो होता है वो एकदम प्योर वीडियो होता है क्योंकि हमने उसको बनाया है। लेकिन कोई कंपनी क्या करती है उससे उसको हम कॉम्प्रेस करते हुए उनका खुद का वहां पे वो लोगो दे देती है, तो ये हमारे लिए वैसे भी यूट्यूब के लिए या यूट्यूब चैनल आप अगर चला रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो इसको हम कॉम्प्रेस होने देते हैं, अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या होगा दोस्तों, जो आपका 30 FPS जो साइज होता है पर फ्रेम जो होता है आपका पर सेकंड फ्रेम जो होता है वो उसको 20 में 20 या 25 पर फ्रेम में उसको डाल देता है। तो वैसे आप जब कोई वीडियो देखेंगे आपका जो आउटपुट जो वीडियो आएगा जो कॉम्प्रेस होके आएगा, आपको जो क्वालिटी जो मिल रही है दोस्तों वो बिल्कुल उसी तरह से आपको क्वालिटी मिलेगी। तो बिल्कुल आप कोई जरूरत नहीं है आपको क्या कहते हैं किसी और सॉफ्टवेयर को यूज करने की, क्योंकि दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करने से ये फ्री सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको आउटपुट में अभी दिखाऊंगा। ये अभी देखिए कॉम्प्रेस हो चुका है, इन्होंने अभी 62% दिखाया था लेकिन एकदम पूरा कॉम्प्रेस हो चुका है, यानी अभी जो टाइम हो रहा है वो है 8:03, यानी करीबन 2 से 2.5 मिनट इसने कॉम्प्रेस करने के लिया था 122 MB को, यहाँ पे क्यू फिनिश दिखा रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर में, हमने इस फोल्डर में इसको कॉम्प्रेस के लिए दिया था। अभी ये जो हमने प्रीव्यू किया था 1.5 सेकंड का वीडियो, तो यहाँ पे वो आ गया है और जो हमने कॉम्प्रेस किया ये वीडियो है, तो हम जो प्रीव्यू किया था हम इसको हम एक बार डिलीट कर लेते हैं और ये हमारा आउटपुट वीडियो का है। तो इसके अगर हम साइज चेक करें दोस्तों, हम अगर प्रॉपर्टी में चलते हैं तो इसका साइज जो होता है वो दिखा रहा है 22 MB, ठीक है। हमारा जो मेन वीडियो था वो था हमारा 122 MB का था और अभी जो दिखा रहा है वो सिर्फ 22 MB का दिखा रहा है। हम इसको अभी प्ले भी कर लेते हैं और इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। क्लिक करना है और इस ये देखिए इसके आप जो अगर क्वालिटी देखते हैं तो बिल्कुल जो वीडियो पहले जो मैंने बनाया था जो वीडियो मेन हमारा वीडियो था उसी की तरह इसकी क्वालिटी है। हम चाहे तो एक बार इसको मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। हमने इससे इसको इस वीडियो को लिया था तो ये हमारा जो अभी कन्वर्ट हुआ है वो वीडियो है। अब इसको मैं एक बार फिर से पहले से स्टार्ट कर देता हूँ जिससे आपको क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। अभी आपने इस वीडियो की क्वालिटी देखी जो हमारा कॉम्प्रेस होकर आ चुका है और हम उस वीडियो को देखेंगे जिससे हमने इसको कॉम्प्रेस किया जिसकी साइज 122 MB थी। मुझे एक प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और इस प्रोडक्ट देखिए अगर आप अगर देखना चाहे तो बिल्कुल भी कोई मीन्स एक 5% या 2% आपको क्वालिटी थोड़ी सी खराब दिखेगी, लेकिन 2% या 5% भी मैं मैक्स बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना इसका वीडियो क्वालिटी जो खराब हो चुकी है। लेकिन जो इसकी साइज है साइज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन वीडियो था हमने यहाँ से लिया था जो इसका साइज था दोस्तों वो था 122 MB का इसका साइज दिया गया था, लेकिन हम अब हमने जब इसको कॉम्प्रेस किया है तो इसका जो साइज आया है वो 21 MB का साइज आया है। आप अगर कैलकुलेशन करें दोस्तों इसके बारे में तो ये है कि 90 से 95% ये इसको ये सॉफ्टवेयर जो है उसको कॉम्प्रेस कर रहा है, यानी अगर आप 1 GB का डेटा लेते हैं 1024 MB का, अगर 1 GB माना जाता है 1024 MB तो उसको ये करीबन कॉम्प्रेस कर लेगा अपने 100 MB के वीडियो में कॉम्प्रेस कर लेगा। तो आप एक कंपैरिजन कर लीजिए कि आप एक 100 MB का वीडियो चाहे उसका कंपैरिजन आप अगर 1 GB के इसे करेंगे तो क्वालिटी तो बिल्कुल वैसी ही मिलेगी आपको, लेकिन
जो आपका वीडियो का जो साइज था वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा इसको यूट्यूब चैनल के लिए कि आप अगर कोई 1 GB का आप अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इससे बेटर उसको आप 5 मिनट लगा के कॉम्प्रेस कर लें, जिसके साथ आपका टाइम भी तो बचेगा, साथ साथ आपका क्वालिटी वही रहेगा, लेकिन वीडियो पे जो आप अपलोड कर रहे हैं उसका तो बहुत ही ज्यादा आपका टाइम बच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ये सॉफ्टवेयर जरूर डाउनलोड कीजिए, आप इस वेबसाइट पे जाके आप बिल्कुल उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आपका जो भी वीडियो रहेंगे साथ ही साथ अगर आप मूवीज के बारे में भी इसको कॉम्प्रेस करना चाहते हैं तो किसी तरह का भी वीडियो अगर रहेगा तो आप उसको कॉम्प्रेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अगर आप हमारा चैनल यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको डेली इंटरनेट रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, एंड्रॉइड रिलेटेड ट्रिक्स आप हम यहाँ पे आपको फ्री में शेयर करते हैं, वो भी बिल्कुल हमारे हिंदी लैंग्वेज में। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथ ही साथ हमारे हमारे आपने अगर कोई पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि मैंने देखा डाला था मैंने, तो आप वो भी वीडियो जरूर देखिएगा किस तरह से आप पैसे कमा पाएंगे। आपको कुछ 10 टिप्स मैंने बताई थी यूट्यूब को आप किस तरह से चैनल आपका ग्रो कर पाएंगे, इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। ये एक जो वीडियो हमारा फंटास्टिक क्रिकेट से आप किस तरह से पैसे कमा पाएंगे, तो आप ये भी वीडियो जरूर देखेगा और इस वीडियो के बारे में मुझे जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा है। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे भेजिए, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।